टीवी एक्ट्रेस मोहिना कुमारी सिंह कोरोना वायरस की चपेट में आ चुकी हैं। ऐसे में जहां उनके वेलविशर्स और फ्रेंड्स उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नक्श ने भी मोहिना को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीवी एक्टर रोहन मेहरा की, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नक्श सिंघानिया का रोल अदा कर चुके हैं। हाल ही में वेबसाइट बॉलीवुड लाइफ ने जब एक खास बातचीत में रोहन मेहरा से इस बात का जिक्र किया, तो उन्होंने मोहिना कुमारी सिंह की स्पीडी रिकवरी की कामना की। क्या कहना है रोहन का, आप भी सुनिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द ठीक हो जाए। हम सभी के लिए ये काफी मुश्किल घड़ी है। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करने के साथ साथ सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है। ये समय भी बीत जाएगा। तो सुना आपने, रोहन मोहिना की स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में रोहन मेहरा के साथ मोहिना कुमारी सिंह की जोड़ी बनते बनते रह गई थी। दरअसल रोहन शो के सबसे पहले ग्रोन अप नक्श का किरदार निभा चुके हैं, लेकिन शो में ट्रैक चेंज हो जाने के बाद रोहन ने इस शो को अलविदा कह दिया और फिर उनकी जगह ली एक्टर ऋषि देव ने, और इसके बाद कीर्ति के रोल में मोहिना इस शो से जुड़ी। ऐसे में रोहन की बजाय उनकी जोड़ी ऋषि देव के साथ बनी। लेकिन अगर रोहन इस शो को नहीं छोड़ते तो यकीन मोहिना के साथ उनकी जोड़ी जरूर बनती और वो ही उनके ऑन स्क्रीन पति नक्श बने नजर आते। लेकिन खैर, दिलचस्प बात यह है कि एक बार फिर से नक्श का चेहरा बदल चुका है। अब ऋषि देव के बाद एक्टर शहजाद शेख इस रोल में नजर आते हैं। बात रही जहां तक रोहन मेहरा की, तो ये रिश्ता के बाद रोहन मेहरा कई म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुके हैं। वहीं मोहिना कुमारी सिंह भी शादी के बाद से ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर नहीं आई। माना जा रहा है कि मोहिना ने एक्टिंग की दुनिया को शादी के बाद बिल्कुल अलविदा कह दिया है। लेकिन अब जहां तक बात है मोहिना की करंट सिचुएशन की, तो सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि मोहिना की हालत में धीरे धीरे अब सुधार हो रहा है, लेकिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी कब मिलेगी इसके बारे में फिलहाल किसी को कोई जानकारी नहीं।